दोस्तों पाकिस्तान में हुआ सबसे बड़ा 5 बदलाव। यह दोस्तों मौसम अकबर ने एक बार फिर से कर दिया है पाकिस्तान प्लेइंग 11 में बड़ा बड़ा बदलाव। सबसे बड़ा 5 खिलाड़ी को कर दिया है टीम से बाहर और 5 खिलाड़ी को किया है टीम में एंट्री। तो क्या है कुछ खबर की जानकारी बताएंगे पूरा खबर आपके इसी वीडियो पर। उससे पहले आप लोग भी है पाकिस्तान टीम का एक जबरा फैन तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी कल बता दूं वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान का तमाम फैंस पाकिस्तान टीम के ऊपर भरोसा किया था। पाकिस्तान इस बार फाइनल तक पहुंचेगा जरूर, लेकिन फाइनल तो दूर की बात है। यहाँ पर क्वार्टर फाइनल पर ही यहाँ पर टीम्स यहाँ पर जो सुपर एट से बाहर हो गया, जिस वजह से पाकिस्तान का तमाम फैंस को पूरा तरीके से निराश किया है। आज कुछ यहाँ पर सूरत के मुताबिक बात उठ के आ रहा है, बाबर आजम और साइंस आफ्रिदी के अंदर झगड़ा हुआ था और झगड़ा की वजह से साइंस आफ्रिदी ने जानबूझ के इस मैच को हरवाया है। लेकिन इस खबर के अंदर कितना सच्चाई है ये तो हमको भी नहीं पता है दोस्तों, लेकिन अभी सोशल मीडिया में ये बहुत ही चर्चे में आ चुका है। जो खुद साइंस आफ्रिदी जानबूझ के जो वर्ल्ड कप 2024 में हारा है टीम को हरवाया है, जिस वजह से मौसम अकबर ने सबसे बड़ा 5 खिलाड़ी को टीम से अचानक बाहर निकल के 5 बड़ा बदलाव 5 खिलाड़ी को कर दिया है रातों राती एंटी। सबसे बड़ा 5 खिलाड़ी टीम से जो बाहर निकला है वो है साइंस आफ्रिदी, सदफ खां, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, हरीश रॉक, और जो 5 खिलाड़ी को एंटी किया है वो है सज्जिल खान, सलमान अली अग्गा, मोहम्मद हरीश, उमर अकमल और मोहम्मद अरफान। दोस्तों इन खिलाड़ी को किया है टीम में एंटी पाकिस्तान का नया चीफ सिलेक्टर मौसम अकबर ने। तो दोस्तों आप लोगों क्या राय है, क्या साइंस आफ्रिदी खुद जानबूझ के इस मैच को हरवाया है? आप अपनी राय जरूर बताएं कमेंट पे। आगे भी क्रिकेट से जुड़े सभी क्रिकेट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपकी वो मूल्य समय देने के लिए।